ओके, सो फिक्स्ड एसेट के टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एरिया है हमारा, वो है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट का। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है? डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब ये है कि हमने कोई एसेट परचेज किया, कुछ साल उसको यूज़ किया, और फिर यूज़ करने के बाद जब हम उसकी नीड खत्म हो गई तो हमने उसको डिस्पोज कर दिया, हमने उसको सेल कर दिया। यहाँ पे मैं सेल का वर्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहा, मैं सेल का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हम नॉर्मली सेल का वर्ड यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए, जब हम कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं जो हमने बेचने के लिए परचेज की हो। फिक्स एसेट हमने यूज करने के लिए परचेज किया था, जब हम उसको बेचते तो हम फिर उसका इसके लिए डिस्पोज का या डिस्पोजल का वर्ड यूज करते हैं। तो अब डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट में हमारे पास तीन केसेस हैं। एक केस है हमारा डिस्पोजल विद प्रोसीड्स। डिस्पोजल विद प्रोसीड्स का क्या मतलब है? हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया, उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसा मिल गया। फिर दूसरा हमारा केस है एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट का। एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट का मतलब ये, हमने पुराना एसेट दिया और नया एसेट लेकर आ गए। और फिर तीसरा हमारे पास केस है डिस्कार्ड डिस्पोजल विदाउट प्रोसीड। डिस्कार्ड का मतलब ये होता है, हम कोई एसेट था, हमने उसको बस कहीं पर डिस्कार्ड कर दिया, फेंक कर आ गए, हमें उसकी कोई ज़रूरत रही नहीं यूज़ करने के बाद। अब या तो वो किसी काम का हमारे पास नहीं रहा और ना ही उसकी कोई मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको सिंपली विदाउट एनी प्रोसीड्स डिस्पोज ऑफ करके आ गए, डिसमेंटल करके आ गए। तो ये तीन केसेस हैं। अब अगर मैं वापस डिस्पोजल विद प्रोसीड्स की बात करूँ, कि जहाँ पे हम कोई एसेट अपना सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसमें फर्दर दो केसेज हैं। एक है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसे एसेट जो कि पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एसेट लेकर आया जिसकी 5 ईयर्स की लाइफ थी, और वो मैंने पूरा 5 ईयर्स यूज करने के बाद सेल किया, तो इसको हम कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, जो फर्दर यूज नहीं किया जा सकता। फिर हमारे पास एक होता है पार्टली डेप्रिशिएटेड एसेट। पार्टली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब क्या होता है? एक एसेट थी, इसकी 5 ईयर्स की लाइफ है, और उसको मैं 3 साल 4 साल यूज किया, 2 साल यूज करने के बाद उसको मैंने सेल कर दिया, तो ये कहलाता है पार्टली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब मैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की बात करूं या पार्टली, जब भी डिस्पोजल विद प्रोसीड्स का केस आएगा, मैं दो काम करने होंगे। पहला काम ये होता है जिसमें मैंने गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना होता है, कि गेन मुझे जब एसेट मैंने सेल किया, डिस्पोज किया, तो उसको डिस्पोज करने पे मुझे गेन हुआ या मुझे लॉस हुआ। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके बना रिकॉर्ड करनी होती है, या जर्नल एंट्री मैंने बनानी होती है। तो ये दो काम मैंने करने होते हैं जब भी मेरे पास डिस्पोजल विद प्रोसीड्स का केस आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास आता है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का केस क्या है? डिस्कार्ड में क्या कर रहे हैं हम? डिस्पोजल विदाउट प्रोसीड्स। अगेन, यहाँ पे भी एसेट डिस्पोज कर रहे हो, लेकिन आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे इसकी जगह। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी, या तो गेन और लॉस ऑन डिस्कार्ड कैलकुलेट करोगे, पहली चीज़। सेकेंड, आप अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाओगे इसकी। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी? एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट। एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट के केस में क्या होता है कि हम पुराना एसेट देते हैं और नए एसेट लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जब आप पुराना एसेट देते हो, नया एसेट लेके आते हो, तो वैसा नहीं होता कि आपने पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लिया, आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो होता ही है कि आपने नया एसेट लिया, और फॉर एग्जाम्पल नया एसेट था हमारा 3 लाख रुपए का, और जो आप पुराना एसेट ले रहे हो, दे रहे हो उसके वेंडर को, उस वेंडर ने कहा पुराना एसेट में आपके 1 लाख रुपए मिलूंगा, तो इसका मतलब आपने नया एसेट 3 लाख में लिया, पुराना एसेट उसको 1 लाख का दे दिया, तो रिमेनिंग आप 2 लाख रुपए उसको कैश में पे करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट का केस आएगा, तो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। एक, गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, कि एक्सचेंज करते हुए गेन हुआ या लॉस हुआ। ट्रेड इन अलाउंस या कैश पेमेंट। अब ये ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है, अभी नहीं बात कर रहा, जब मैं इस केस पे जाऊंगा तभी बात करूंगा। कैश पेमेंट मैंने आपको बता दी, जो आपने ऊपर से इसको अलग से कैश पे किया, और अकाउंटिंग एंट्रीज की आपने रिकॉर्ड करनी होगी। तो ये है डिस्पोज ऑफ फिक्स एसेट का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे।